Welcome back, children. In this video, we are going to learn an interesting lesson from your English Balbhati textbook. And the topic is Dr. Doolittle Learns Animal Language. So, students, ये बहुत ही interesting story है. Let's see. Lesson number 12. Dr. Doolittle Learns Animal Language. Now listen, doctor, said Polynesia. And I'll tell you something. Did you know that animals can talk? So children, यहाँ पर पॉलीनेशिया नाम का एक पैरोट है जो डॉक्टर से कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, क्या तुम जानते हो एनिमल्स बात कर सकते हैं? I knew that parrots can talk, said the doctor. अब डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं जानता हूँ कि पैरोट्स बात कर सकते हैं. ओह, we parrots can talk in two languages, people's language and bird language, said Polynesia proudly. So students, यहाँ पर डॉक्टर और पैरोट ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और पैरोट ने बताया कि क्या तुम जानते हो एनिमल्स बात कर सकते हैं. सो डॉक्टर ने क्या कहा, मैं जानता हूँ पैरोट बात कर सकते हैं. इसके बाद पैरोट ने कहा कि हम जो पैरोट्स होते हैं, हम लोग दो लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, एक इंसानों की लैंग्वेज में और एक बर्ड लैंग्वेज में. इफ़ आई से पॉली वांट्स अ बिस्किट, यू अंडरस्टैंड मी. अब यहाँ पे पैरोट क्या कह रहा है कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा पॉली को बिस्किट चाहिए तो तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी. बट हियर दिस, का का ओई ई फी फी. गुड ग्रेशियस, क्राइड द डॉक्टर, What does that mean? Good gracious means an exclamation of surprise. तो अभी यहाँ पे पैरोट ने बर्ड लैंग्वेज में कुछ कहा था जिसकी वजह से जो डॉक्टर है वो सरप्राइज हो गया, चौंक गया और फिर पूछता है What does that mean? इसका क्या मतलब है जो तुमने अभी कहा है. That means, is the porridge hot yet? In bird language. तो अभी जो पैरोट ने कहा था का का ओई ई फी फी, उसका क्या मतलब है. इज़ द पॉरेज हॉट येट. हियर पॉरेज, पॉरेज मीन्स अ टाइप ऑफ सॉफ्ट थिक फूड मेड बाय बॉइलिंग ओट्स और एनी अदर सीरियल इन मिल्क और वाटर. बेसिकली ये क्या होता है, खीर. सो पैरोट ने क्या सवाल किया कि क्या पॉरेज अभी भी गर्म है. माई, यू डोंट से सो, said the doctor. You never talked that way to me before. अब डॉक्टर उसे क्या कहता है, तुमने ऐसा तो नहीं कहा और तुमने इस तरह से मुझसे पहले कभी बात नहीं की. What would have been the good, said Polynesia, dusting some biscuit crumbs off her left wing. You wouldn't have understood me if I had. Here, dusting. Dusting means removing dirt or dust From something. So children, यहाँ पर पॉलीनेशिया क्या कहता है डॉक्टर से कि अगर मैं इस तरह से आपसे बात करता तो आपको समझ में नहीं आता. वो अपनी विंग्स पर से बिस्किट के क्रब्स को रिमूव करते हुए, डस्ट करते हुए कहता है. टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड, एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉवर एंड केम बैक विथ अ नोटबुक एंड अ पेंसिल. सो डॉक्टर पॉलीनेशिया को क्या कहता है कि मुझे इसके बारे में और बताओ, और वो जल्दी से भागकर ड्रेसर के पास जाता है, वहाँ से नोटबुक और पेंसिल लेकर वापस आता है. नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई राइट इट डाउन. उसके बाद वो पॉलीनेशिया से क्या कहता है, बहुत फास्ट मत जाना, बहुत जल्दी जल्दी मत बोलना और मैं सारी चीज़ें इस नोटबुक में लिखूँगा. दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, Something quite new. Give me the words ABC first, slowly now. So children, Dr. Polynesia से कहता है कि ये बहुत ही interesting है और कुछ नया है. Give me the words ABC first, slowly now. Polynesia से डॉक्टर कहता है कि पहले मुझे words ABC बताओ. Words ABC means the alphabet of birds language. Basic information about birds language. जो बर्ड्स लैंग्वेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है डॉक्टर ने उसके बारे में पहले पूछा. सो दैट वॉज अ वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन.
एंड कुड टॉक टू वन अनदर। और इस तरह डॉक्टर को ये पता चला कि एनिमल्स की भी लैंग्वेज होती है, उनकी खुद की लैंग्वेज होती है और वो लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। एंड ऑल दैट आफ्टरनून वाइल इट वॉज रेनिंग पॉलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द नोटबुक। पूरी दोपहर जब बारिश हो रही थी उस वक्त पूरी दोपहर पॉलिनेशिया किचन की टेबल पर बैठकर डॉक्टर को बर्ड वर्ड्स बता रहा था उनकी नोटबुक में लिखने के लिए। एट टी टाइम व्हेन द डॉग जिप केम इन द पैरोट सेड टू द डॉक्टर सी ही इज टॉकिंग टू यू। और जब चाय का वक्त हुआ उस वक्त डॉग जिसका नाम जिप था वो अंदर आया तो उस वक्त पैरोट ने डॉक्टर से क्या कहा, सी ही इज़ टॉकिंग टू यू, देखो वो तुमसे बात कर रहा है। लुक्स टू मी एज दो ही वेयर स्क्रैचिंग हिज ईयर सेड द डॉक्टर। अब जो डॉक्टर है वो पॉलिनेशिया से कहता है कि ये डॉग सिर्फ मेरी तरफ देख रहा है और अपने ईयर को स्क्रैच कर रहा है। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स सेड द पैरोट इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज। पैरोट क्या कहता है, एनिमल्स जो होते हैं वो हमेशा अपने माउथ से टॉक नहीं करते हैं, वो तेज़ आवाज़ में अपने आईब्रोज को रेज करते हुए कहता है कि एनिमल्स हमेशा माउथ से टॉक नहीं करते हैं। दे टॉक विद देयर ईयर्स विद देयर फीट विद देयर टेल्स विद एवरीथिंग। जो एनिमल्स होते हैं वो कभी अपने ईयर से कभी फीट से कभी टेल से टॉक करते हैं। विथ एवरीथिंग मीन्स वो अपना कोई भी बॉडी पार्ट यूज़ कर सकते हैं टॉक करने के लिए। समटाइम्स दे डोंट वॉन्ट टू मेक अ नॉइस, क्योंकि कभी कभी वो नॉइस क्रिएट करना नहीं चाहते हैं। डू यू सी नाउ द वे ही इज़ ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज। पॉलिनेशिया अब क्या कहता है, क्या तुम देख सकते हो जैसे वो अपने नोज को एक साइड पे ट्विच कर रहा है। ट्विचिंग मीन्स मेकिंग अ सडन क्विक मूवमेंट ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी पार्ट को अचानक से मूव करना, बहुत जल्दी से मूव करना। तो वो अपने नोज को ऐसे ट्विच कर रहा था डॉग। व्हाट डज दैट मीन आस्क द डॉक्टर। अब इसके बाद डॉक्टर को नहीं पता है कि ऐसे ट्विच करने का क्या मतलब है, तो डॉक्टर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। That means, can't you see that it has stopped raining? इसका क्या मतलब बताया है पॉलिनेशिया ने कि बारिश बंद हो गई है। पॉलिनेशिया answered, he is asking you a question. Dogs nearly always use their noses for asking questions. अब यहाँ पर पॉलिनेशिया ने डॉक्टर को बताया कि डॉग्स जो होते हैं वो अक्सर क्वेश्चन करने के लिए कोई सवाल करने के लिए अपना नोज का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर अ वाइल विद द पैरोट्स हेल्प द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड। कुछ देर बाद विद द हेल्प ऑफ पैरोट की हेल्प से डॉक्टर को एनिमल्स लैंग्वेज की बहुत अच्छी समझ हो गई और उसे ऐसे समझ में आने लगा, वो खुद से समझ सकता था एनिमल्स क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर अब खुद से समझ सकता था। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर। और उसके बाद वो पीपल्स डॉक्टर इंसानों का डॉक्टर बनना छोड़ देता है और एनिमल्स का डॉक्टर बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। वी विल मीट अगेन विथ माई न्यू वीडियो। Please subscribe the channel and press the bell icon.